दोस्तों याद रहे यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों इजिप्ट यानी कि मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी धरती के नीचे न जाने कितने रहस्य दफन है। तो एलियंस से लेकर कॉफिन बॉक्सेस और प्राचीन इजिप्शियन बल्ब्स तक आज हम आपको 10 ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खोज इजिप्ट में हुई है और जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मिस्ट्री हेड्स। पुराने इजिप्ट की धरती के नीचे से मिस्ट्री हेड्स का मिलना किसी हॉरर मूवी के कहानी के जैसा लगता है। ये सिर लाइमस्टोन से बने हुए लगते हैं और ये लगभग 2613 से 2181 बीसी के समय काल के दौरान के हैं, क्योंकि ये वास्तविक सिर तो नहीं है। फिर ये सवाल दिमाग में उठता है कि ये आखिरकार यहीं क्या कर रहे थे। इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। सबसे पहले ऐसे सिर की खोज 1894 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 30 से ज्यादा ऐसे सिर मिल चुके हैं। इनको रिजर्व हेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे सिर का एक समूह है। कुछ सिर तो धरती में से साबुत निकले हैं, बल्कि कुछ सिर टूटी फूटी अवस्था में मिले हैं। उन टूटे फूटे सिर के कान नहीं थे और उन पर काफी लंबे लंबे निशान भी थे। तो इतिहासकार सबसे पहले इस बात को लेकर हैरान थे कि इन सिर के कान क्यों नहीं हैं और इनके लंबे लंबे निशान क्यों थे। नंबर 9, द गीजा वॉयड। आपको पुरानी इमारतें कितनी हैरान कर सकते हैं। 2017 में जब एक्सपर्ट्स ने गीजा के नील नदी के किनारे स्थित पुराने पिरामिड्स पर रिसर्च की तो उन्हें काफी आश्चर्यजनक बातें पता चली थी। ये पिरामिड दुनिया की ऐतिहासिक चीजों में सबसे पुराने हैं। ये लगभग 4500 साल पुराने हैं और इनकी लंबाई 146.7 मीटर यानी 481.3 फीट है। वैज्ञानिक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर बड़े बड़े कमरे, बड़े चेंबर्स पर एक ऐसी चीज भी पिरामिड में थी जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक किसी के सामने नहीं आई थी। लेकिन ये सामने तब आया जब पिरामिड के बाहरी हिस्से की रेडियोग्राफी और थर्मल इमेजिंग के साथ रिसर्च की गई। उस दौरान पता चला कि इन पिरामिड्स में एक कमरा है जो 30 मीटर लंबा है यानी 100 फीट का कमरा। ये कमरा पिरामिड के अंदर मौजूद ग्रैंड गैलरी के पास स्थित था। इसके बारे में अभी तक खोज की जा रही है कि ये कमरा क्या है और वैज्ञानिक इसके लिए रोबोट्स की मदद से पिरामिड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 8, काइट्स। रहस्यमय इजिप्शियन रेगिस्तान को एक दशक से भी ज्यादा समय से ऊपर से देखा जा रहा है। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार ये क्या चीजें हैं, पर बाद में पता चला ये तो छोटे छोटे पत्थरों की दीवार हैं। ये ज्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं है, बल्कि ये किसी पतंग की शेप में दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ तो 40 मील के बराबर लंबी हैं। सबसे बड़ी रहस्यमय बात तो यह है कि यहाँ केवल मिट्टी ही मौजूद है, पर इस बात से ये संकेत भी मिलते हैं कि पहले यहाँ कोई एलियन सभ्यता रही होगी या इजिप्शियन सभ्यता के लोगों का एलियंस की दुनिया से कोई संपर्क रहा होगा। इजिप्शियन रेगिस्तान में ऐसी 16 काइट्स को देखकर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि ये लाइंस क्या हैं। 2000 से भी ज्यादा पुरानी इन दीवारों के बारे में इसराइल की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए शोध के अनुसार इन काइट्स का इस्तेमाल जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। नंबर 7, किंग टूट्स ममी। राजा टूट्स के मरने के बाद इजिप्ट में बड़ी रहस्यमयी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनकी कब्र की खोज 1922 में हुई थी और बाद में ये इतिहास के सुपरस्टार बन चुके थे। बहुत से लोगों को यहां तक नहीं पता होगा कि राजा अपनी जवानी के दिनों में काफी जवान दिखाई देते थे। इतिहासकारों के अनुसार जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे, वो किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल नहीं होंगे। इस कब्र की खोजबीन करने के बाद ये समझ में आया कि इस शरीर में से कुछ हड्डियां गायब थीं। इसके अलावा इनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, ये भी एक रहस्य ही है। इस साल ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने खोज की और उनके सामने ये निष्कर्ष निकला कि शरीर को जलाया गया था, इसी वजह से उस पर जलने के निशान मिले हैं। लेकिन इस निर्णय को लेकर कुछ लोगों ने कड़ा एतराज जताया। उनके अनुसार अगर शरीर को जलाया गया होता तो उसके अलावा कुछ और निशान भी मिलते। नंबर 6, ब्लैक बॉक्सेस। अगर आपको गीजा के पिरामिड रहस्यमयी लगते हैं तो शायद आपने अभी ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं सुना होगा। गीजा से 12 मील दूर एक गुफा में 24 बड़े काले बॉक्स मिले हैं। उनमें से हर ब्लैक बॉक्स का वजन 100 टन के बराबर था। कुछ लोग इन्हें एलियन का बॉक्स भी कहते हैं। ये गुफाएं किसी मंदिर का हिस्सा थी जिसे एक फ्रेंच इतिहासकार ने 1850 में ढूंढा था। यहाँ पर मिली एक मूर्ति 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन बॉक्सेस के अंदर क्या है इसकी जानकारी जब आपको मिलेगी आप भी चौंक जाएंगे। इन बॉक्सेस के अंदर जानवरों के सिर जैसी कोई आकृति मिली है। नंबर 5, लॉस्ट लैबरिंथ। इजिप्ट में मौजूद कायरो शहर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक जगह है जिसका नाम है फल्यूम ओएसिस। इसे इजिप्ट का लॉस्ट लैबरिंथ भी कहा जाता है।
फलियों में एक और नाम से मशहूर है जिसका संबंध मगरमच्छ से है। उसका ये नाम ग्रीक भाषा से जुड़ा है। ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ मगरमच्छ नियमित रूप से पूजा के लिए आते थे। लैबिरिंथ के बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने उस तरह बखान किया है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके अंदर 3000 चेम्बर्स थे, जिसमें से आधे जमीन के ऊपर थे तो आधे जमीन के अंदर थे। ये भी कहा जाता है कि जमीन के अंदर मौजूद चेम्बर्स का रास्ता पिरामिड तक जाता था, पर वो प्रसिद्ध इतिहासकार वहां तक नहीं गया। कहा जाता है कि ये किसी 12 किंग के नाम से मशहूर एक समूह के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये खो गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये 19वीं सदी में मिल गए थे। 1889 में पत्थरों का एक लैबिरिंथ मिला था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये छत थे। जब इन पत्थरों को जांचा गया तब ये सामने आया कि लैबिरिंथ जैसा ही कुछ था, पर फिर भी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। नंबर 4, दैट्स अ रैप। इजिप्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। इजिप्ट मशहूर है पिरामिड और ममी के लिए। जमीन के नीचे से मिले ममी को देखकर यह पता चलता है कि जिस नजरिए से हम उन्हें देखते हैं वो अलग हैं। पेरिस में मौजूद एक म्यूजियम जिसमें इजिप्ट की बहुत सी ममी एक साथ कतार में खड़ी हुई हैं। इन सभी ममी को लगभग 3000 बीसी से लेकर 30 बीसी पुरानी माना गया है। इनके मुंह को देखिए, इसे जियोमेट्रिक शेप में बांधा गया है। उनके पैरों के पास एप्रन भी बंधा हुआ होता है। इनका एक और उदाहरण मिलता है क्रोएशिया के म्यूजियम में। विक्टोरियन युग में आप किसी से भी ममी खरीद सकते थे। ममी को लपेटने के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, लेकिन जब इस बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक रीति रिवाजों के किताब से लिए गए हैं। नंबर 3, द डेंडरा लाइट। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बिजली बल्ब की खोज तो आधुनिक समय में हुई है, पर कुछ लोग हमारे इस बात से सहमत नहीं होंगे। इजिप्शियन सभ्यता के पास प्रकाश करने का कोई जरिया उपलब्ध था। अगर आप डेंडेरा के मंदिरों की छत पर मौजूद नक्काशी को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इजिप्शियन सभ्यता के लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके हाथ में बेसबॉल वाले बैट हैं, पर यह कोई बेसबॉल बैट नहीं बल्कि आधुनिक समय में काम आने वाले लैंप की तरह कुछ हैं। रिसर्च के अनुसार ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बल्कि ये उगते हुए सूरज की तरह दिखता है। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग पिरामिड। इजिप्शियंस अपने पिरामिड के लिए विश्वविख्यात हैं, पर बहुत सी सभ्यता खासकर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनुसार इनमें खासी समानता है। कुछ लोगों के लिए ये महज एक संयोग की बात है कि आधुनिक सिविलाइजेशन में भी उन्हीं निशानों का उपयोग किया गया है। सभी पिरामिड को ऊंचा किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, शायद किसी ऊर्जा को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसका उदाहरण एक इजिप्ट में बर्बाद हुए पिरामिड को देखकर पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि 12,000 साल पहले अबुरा वाश में मौजूद पिरामिड 213 मीटर ऊंचाई पर था और यह गीजा के ऐतिहासिक पिरामिड से भी ऊंचा था। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह पिरामिड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की वजह से यह एक्सप्लोड हो गया। नंबर 1, द बिल्डिंग्स ऑफ पिरामिड्स। कई सालों के रिसर्च के बाद यह सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये पिरामिड बने कैसे होंगे। इनके बनने के तरीके पर अभी भी डिबेट चलती रहती है। पिरामिड को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे इजिप्शियंस ने इन बड़े बड़े पत्थरों को खींचा होगा और वो कैसे पत्थरों की मदद से पिरामिड को शेप दे पाए होंगे। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये खोज की गई कि 1900 बीसी की सभी पेंटिंग्स में इन पिरामिड्स का राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।